ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो होप करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट एक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ लर्निंग असेसमेंट वीएड थर्ड सेमेस्टर। ओके, सो लर्निंग असेसमेंट में बेसिकली आप लोग का यूनिट्स अगर हम लोग देखेंगे, इसमें टोटली आपका 5 यूनिट्स आर देयर। ओके, सो देर आर 5 यूनिट्स इन दिस सब्जेक्ट। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओके, सो आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। सो देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, ईच यूनिट, वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So the first chapter is our perspective of assessment and evaluation. Okay. So पहले हम लोग देख लेते हैं what is the meaning of this assessment and evaluation. Okay. So assessment का मतलब क्या होता है? Assessment means ये एक broad term है. Okay. It is a broad term. इसका ये क्या क्या include करता है? Various methods to determine the individual achievement. एक student school जा रहा है तो वो क्या अचीव कर रहा है, ठीक है, हम लोग को कैसे पता चलेगा? By this what assessment. हम लोग अब assessment करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि बच्चे का कितना progress हुआ है class में, कितना उसका progress हुआ है, that is your assessment. Okay. So assessment refers to a method used to determine the achievement of the learning outcomes. ठीक है, so इट रिफर्स टू ए मेथड टू डिटरमाइन द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम, कितना अचीव किया है, लर्न करके बच्चा कितना अचीव किया है. ओके, सो ये तीन चीज पे फोकस करता है. वट आर द थ्री थिंग्स दैट असेसमेंट फोकसेस? इट फोकसेस ऑन लर्निंग, टीचिंग एंड आउटकम. क्या लर्न कर रहा है, क्या टीच हुआ है और उसका आउटपुट क्या है. सो देर आर थ्री थिंग्स. अगर हम लोग आप इसे डायग्राम करके बनाएंगे, सो वी कैन टेक ए असेसमेंट, देन इट फोकसेस ऑन थ्री थिंग्स, दैट इज योर लर्निंग, teaching and outcomes. Okay, so third point we can take, assessment is an integral part of instruction as it determines whether or not the goals of education are being met. ये क्या है? एक integral part है, क्योंकि यही इसी से हम लोग को पता चलता है कि whether our objectives are achieved or not, right? तो ये रहा आपका assessment. So next अगर हम लोग देखेंगे तो assessment provides a number of benefit. क्या क्या benefit ये provide करता है? तो पहला रहा आपका grading, then motivation, then part of learning process, then feedback. तो grading means हम लोग क्या करते हैं, assessment में हम लोग जो भी achieve किए हैं उसको एक grade में convert करते हैं. Okay. Motivation means बच्चे के अगर performance अच्छा नहीं है या अच्छा है, जो भी है, अगर अच्छा है तो हम लोग उसको फिर से motivate करते हैं. और assessment क्या है? एक part of learning process है. क्यों ये एक part of learning process है? क्योंकि अगर हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं तो बच्चे का परफॉर्मेंस पता चल रहा है, उसके बाद बच्चे को हम लोग को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. देन फीडबैक, हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है? हम लोग इनपुट देते हैं, लर्न, टीच, एवरीथिंग इज देयर, लर्निंग, टीचिंग, एवरीथिंग इज देयर, बट वट इज द आउटपुट, वट इज द ऑब्जेक्टिव वी आर अचीविंग? सो दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द फीडबैक, एंड दैट फीडबैक इज नथिंग बट द असेसमेंट. ओके, सो असेसमेंट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, राइट? सो ये रहा असेसमेंट. तो अगर असेसमेंट आया एग्जाम में, सो यू कैन राइट दिस दैट इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, देन इट डिटरमाइंस वेदर द गोल्स आर अचीव्ड और नॉट. सो इट कंसीड फोकसेस ऑन थ्री थिंग्स, दैट इज लर्निंग, टीचिंग एंड आउटकम्स. ओके, वट एवर आउटकम्स वी आर गेटिंग, देन इससे हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है? हम लोग फीडबैक ले सकते हैं, हम लोग ग्रेडिंग करा सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स, देन द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, राइट? सो नेक्स्ट वी विल मूव टू इवैल्यूएशन. सो इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? कुछ इवैल्यूएट करना, कुछ फाइंड आउट करना, कुछ जजमेंट करना. ओके, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट. वट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट ओवर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. क्या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उसमें हम लोग को एक जजमेंट करना है, ठीक है? अब वट इज द एक्सटेंट?
ठीक है, ये एक जजमेंट है या फिर ये एक एक्सटेंट है, द एक्सटेंट विच द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। और ये क्या है, ये कंटिन्यूस एंड डायनामिक, ये कंटिन्यूसली होते रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार इवेल्युएट किए फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। इवेल्युएशन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देन इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग डिसीजन सच एज, क्या क्या, इंस्ट्रक्शनल, करिकुलर, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, क्लासिफिकेशन, पर्सनल। सो ये बहुत हेल्प करता है, बच्चे का करिकुलम क्या है, वो परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, ये सारे देखने में इवेल्युएशन हम लोग को हेल्प करता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक जजमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग एक एक्सटेंड हम लोग को मिलता है, अप टू व्हाट एक्सटेंड द गोल्स आर अचीव्ड, ये है इवेल्युएशन। अच्छा, तो हम लोग अगर देखेंगे कुछ पॉइंट्स में हम लोग इवेल्युएशन को अगर डिस्क्राइब करेंगे, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लासरूम टीचर्स, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिरेक्टर एज वेल एज गाइडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए, फॉर गाइडेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, एडमिनिस्ट्रेटर, हमें हर किसी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शनल एड इन डिवाइजिंग मोर इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये एवेल्युएशन के बाद हम लोग को पता चलता है कि हम लोग जो भी मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसका उसका क्या अचीवमेंट है, उसका क्या परफॉर्मेंस है। देन इवेल्युएशन हम लोग को, इट मेजर्स द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मेजर करता है। सपोज एक बच्चा को हम लोग अभी एक टेस्ट दिए हैं, वो टेस्ट दिया उसका इवेल्युएशन इवेल्युएट किए हैं, वो सपोज 80% मार्क रखा है, देन आफ्टर सम डेज अगेन इफ वी आर डूइंग दैट देन सेम थिंग ही इज गेटिंग 80% मार्क। तो ये क्या करता है, एक रिलायबिलिटी मेजर करता है, इंस्ट्रक्शन का एक रिलायबिलिटी मेजर करता है, येस द परफॉर्मेंस इज गुड और बैड और इट इज एज लाइक बिफोर और नॉट। देन ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मोटिवेट करता है बच्चों को पढ़ने के लिए। एक बार बच्चे रिजल्ट आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं यस आई गॉट 90%, द नेक्स्ट टेस्ट आई विल ट्राई टू गेट 95% और 98% लाइक दैट। तो इट मोटिवेट्स और स्टिमुलेट स्टूडेंट्स। देन इट हेल्प्स टीचर टू डिस्कवर द नीड ऑफ पीपल्स। अभी बच्चे को यहाँ पे लैकुना है वो ये टीचर को पता चलता है तो वो डिस्कवर करता है व्हाट इज द नीड ऑफ द पीपल। देन इट कैन बी यूज टू एनफोर्स एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और इंडिजर स्टैंडर्ड पता चलता है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स और द इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। ओके, सो नेक्स्ट वील मूव टू टेस्ट। सो टेस्ट क्या, हम लोग को सबको पता है टेस्ट क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, इट इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस। हम लोग को मेजर किया जाता है हम लोग क्या परफॉर्मेंस हम लोग का क्या है। सो टेस्ट, नेचर ऑफ टेस्ट क्या है, टेस्ट ए मे बी ए टूल, इसको हम लोग एक टूल बोल सकते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। सो टेस्ट क्या है, ये सेट ऑफ टूल्स है, सेट ऑफ क्वेश्चन है जो एक प्री डिफाइंड टाइम में बच्चों को दिया जाता है विथ प्रायर नोटिस और विदाउट प्रायर नोटिस। जो विदाउट प्रायर नोटिस में दिया जाता है दैट इज योर सरप्राइज टेस्ट जो कि क्लासरूम में होता है। सो टेस्ट क्या है, इट इज अ टूल और द सेट ऑफ क्वेश्चन और द एग्जामिनेशन विच इज यूज टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ स्पेसिफिक टूल और प्रोसीजर और अ टेक्निक यूज टू ऑब्टेन द रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट। सो देन इफ विल गो टू द नेचर ऑफ टेस्ट, टेस्ट क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं बताई कि टेस्ट अगर बच्चा एक दे रहा है तो नेक्स्ट टेस्ट वो जब दे रहा है उसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, सो सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। सो टेस्ट हम लोग को ऐसे करना चाहिए कि वो रिलायबल रहे, चेंज ज़्यादा ना हो, ठीक है, मतलब रिलायबल। ओके, दैट टेस्ट शुड बी वैलिड, वैलिड होना चाहिए, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सपोज हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम लोग का टेस्ट का क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव है कि ये चैप्टर से बच्चे समझे हैं या नहीं। देन इट मस्ट accomplish विद द नॉर्म्स, मतलब उसका जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए कि टेस्ट का टाइमिंग क्या होना चाहिए। सपोज 5 mark question, 3 5 mark question एंड 2 10 mark question है, सो हम लोग को कितना मिनिमम टाइम देना चाहिए। सो ये सारा नॉर्म्स हम लोग को फॉलो करना है। ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि बहुत एक्सपेंसिव है, एक टेस्ट कराने के लिए हम लोग को बहुत कॉस्ट देना पड़ता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे को अगर हम लोग टेस्ट तो रेगुलरली होते रहता है तो अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम होता है। सो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव और इट शुड बी नॉट बी एक्सपेंसिव। देन लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके, अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो लर्निंग का टाइम कम हो जाता है। ओके, सो दिस आर द, देन मस्ट बी प्रोड्यूस रिजल्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेस्ट लेके छोड़ दिए, बच्चों को रिजल्ट हम लोग नहीं दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो दीज आर द नेचर ऑफ टेस्ट एंड व्हाट इज टेस्ट। देन द क्लासरूम टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग एम एंड ऑब्जेक्टिव, तो क्लासरूम में जो टेस्ट हो रहा है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन्फॉर्म टीचर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर, मतलब जो भी लर्नर का परफॉर्मेंस है ये टेस्ट टीचर को
बताता है, प्रोग्रेस बताता है, ठीक है। कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन लर्नर टू अदर, मतलब क्या, एक का एक स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है अमंग अदर स्टूडेंट, वो पता चलता है। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस पता चलता है, किस एरिया में उसको डेवलप कराना है वो पता चलता है, ठीक है। देन रीसेव टीचिंग आइटम्स, अगर हम टीचर को लगा कि नहीं ये जो चैप्टर है इसको मेरे को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से समझे, सपोज रिजल्ट खराब हुआ है, तो देन इट कैन रीसेव द टीचिंग आइटम्स। देन फॉर सर्टिफिकेशन वी टेस्ट इन ऑर्डर टू सर्टिफाई दैट द लर्नर हैज़ कम्प्लीटेड, हम लोग को सर्टिफिकेशन मिलता है कि बच्चे को हम लोग सर्टिफाई करते हैं यस इट हैज़ ही और सी हैज़ कम्प्लीटेड द सिलेबस और कम्प्लीटेड द चैप्टर। देन कंडक्ट रिसर्च, समटाइम वी क्लास टेस्ट फॉर रिसर्च पर्पोज, हम लोग को जानना है वेदर वी वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट वेदर पर्टिकुलर मेथड टेक्निक और अप्रोच इफेक्टिव और हम लोग जानना चाहते हैं हम लोग जिस वे में या फिर जिस मेथड में हम लोग पढ़ा रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं। सो दिज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्ट इन ए क्लासरूम, क्या हम लोग को प्रोग्रेस पता चलता है, द वी आर मोटिवेटिंग और स्टिमुलेटिंग, मैंने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, देन उनका परफॉर्मेंस जानते हैं विद इन कंपेरिजन टू अदर, फॉर रिसर्च पर्पोज भी यूज करते हैं। सो दिज आर द वट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासरूम टेस्ट। द पर्पोज ऑफ टेस्ट में आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि टेस्ट में क्या है, ये पॉइंट्स को मिला के आप लिख सकते हैं कि हम लोग बच्चे का क्या ऑब्जेक्टिव था और कितना अचीव हुआ है, ये हम लोग को पता चलता है, परफॉर्मेंस हम लोग को पता चलता है। देन डिटरमाइन द प्रोग्रेस मेड बाय द स्टूडेंट, प्रोग्रेस परफॉर्मेंस अचीवमेंट ये सारा पता चलता है। सो आप टेस्ट से रिलेटेड करके लिख सकते हैं प्रोग्रेस परफॉर्मेंस अचीवमेंट कंपेयर टू अदर स्टूडेंट व्हाट इज द परफॉर्मेंस, ओके दिस थिंग यू कैन राइट इन टेस्ट, ओके। सो नाउ थ्री पार्ट्स ओवर, दैट इज योर व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट इज इवैल्यूएशन एंड व्हाट इज टेस्ट। नेक्स्ट वी विल मूव टू मेजरमेंट, ओके। सो मेजरमेंट का मतलब क्या है, कुछ मेजर करना, ओके। सो हम लोग जब कुछ भी टेलर के पास जाते हैं अपना कुछ यूनिफॉर्म सिलाते हैं या ड्रेस सिलाते हैं, हम लोग क्या देते हैं, मेजरमेंट देते हैं उसका, जो भी हम लोग को एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, सो दैट इज मेजरमेंट। तो यहाँ पे मेजरमेंट क्या है, यहाँ पे मेजरमेंट है कि हम लोग बच्चे का परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। तो अभी आप लोग बोलेंगे देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, बोथ आर सेम, यस बोथ आर सेम, बोथ आर सेम बट कंट्राडिक्ट बट नॉट, दे आर नॉट अपोजिट, दे आर सेम कम्प्लीमेंटरी, ओके, दे आर कम्प्लीमेंटरी बट नॉट कंट्राडिक्टरी। सो इसका मतलब क्या है, हम लोग जब मेजर करते हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, तो नो डाउट इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, ये मेजरमेंट इज गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, एक बच्चा का 80 मार्क्स, 80 आउट ऑफ 100 इज इक्वरिंग 80, तो हम लोग को पता चला कि इसका परफॉर्मेंस यहाँ 80 है, ठीक है, गुड है या वेरी गुड है या फेयर है या बैड है, सपोज 40 हम लोग का पास मार्क है, 40 एक बच्चा रख ला 35, देन हम लोग उसको डिटरमाइन कर सक रहे वो बच्चा पास है या फेल है, ओके। सो दैट इज योर मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, इट वी आर असाइनिंग ए क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। द प्रोसेस बाय व्हिच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइंड, सो ये क्या है, इट इज इन द न्यूमेरिक फॉर्म, ओके। रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और इन्फॉर्मेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेक जजमेंट, अभी हम लोग जजमेंट बनाएंगे इस वैल्यू को देख के, ठीक है। सो इसका अगर हम लोग नेचर देखेंगे तो क्या क्या नेचर है इसका, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, रिलायबल वैलिड ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो पहला तो थिंग है कि ये क्वांटिटेटिव होना चाहिए, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए, हम लोग एक जजमेंट बनाएंगे इसके पहले हम लोग को उसका परफॉर्मेंस देखना है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस, व्हाट इज द मार्क्स, व्हाट इज द स्कोर दैट द चाइल्ड इज गेटिंग, ओके। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, चाइल्ड स्कोर 18 मैथमेटिक्स, देयर इज नो इंटरप्रिटेशन वी शुड गिव इट, वी कैनॉट से ही हैज पास्ड और फेल्ड, मेजरमेंट स्टॉप एट एस्क्राइबिंग the quantity but not making a value judgment on the child performance, while the specific purpose of measurement and evaluation can vary, there is one underlying thing, measurement and evaluation are required to determine whether the students are learning, measurement or evaluation dono hi necessary hai for determining whether the goal is achieved or not, okay। so this is your measurement, measurement mein hum log kya karte hain, quantity measure karte hain, uska performance measure karte hain, तो दैट इज यूज फॉर जजमेंट, ओके, इट इज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इन नेचर प्रिसाइज, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग का है एग्जामिनेशन,
एग्जामिनेशन क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग का एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि टेस्ट हम लोग का एक यूनिट के बाद होता है या फिर एक टॉपिक के बाद होता है, वैसे ही एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए बोर्ड और ए काउंसिल और ए यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज टू होल्ड एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन हैव गैदर्ड अ ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस इन द स्कीम ऑफ लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट इन इंडिया। क्या एक इम्पोर्टेंस है इसका, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर सिलेबस को हम लोगों को अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन अच्छे से दे सके, हम लोग का अच्छा स्कोर आए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्टूडेंट लाइफ। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जामिनेशन इज ए फॉर्मल टेस्ट ऑफ ए पर्सन्स नॉलेज, एक पर्सन का नॉलेज और उसका प्रोफिशिएंसी इन ए सब्जेक्ट और स्किल को हम लोग एग्जामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जाम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म एग्जामिनेशन का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एग्जाम बोल सकते हैं, राइट। सो एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिस, दिस इज ए एंडेमिक प्रॉब्लम एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इन प्रैक्टिस कंटिन्यू असेसमेंट हैड बीन एबल टू मिनिमाइज द टॉलरेबल रबल एंड फियर ऑफ यूजिंग वन सिंगल एग्जामिनेशन, जैसे कि द परफॉर्मेंस टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ कोर्स इज रिमोट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका कितना नॉलेज है, ये स्किल्स है, ये हम लोग उसमें डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो फॉर असेसिंग द वैलिडिटी ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम एग्जामिनेशन डिजाइन बाय द इंस्ट्रक्टर्स हु सेट द एजुकेशन रोल एंड टीच द कोर्स इज ऑफन द बेस्ट अप्रोच। ये एक बेस्ट अप्रोच है कि हम लोग को पता चलेगा एग्जामिनेशन के थ्रू कि बच्चे का नॉलेज कितना बड़ा है, इज ही और सी इज कैपेबल ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट क्लास, उसका वो सिलेबस कंप्लीट हो गया वो नेक्स्ट सिलेबस में जाएगा या नहीं, ये सारा डिटरमाइन करता है एग्जामिनेशन, राइट। सो ये हम कंप्लीट हो चुका है हम लोग का टेस्ट एग्जामिनेशन मेजरमेंट इवैल्यूएशन असेसमेंट, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज योर द पर्पज एंड द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे असेसमेंट, तो हम लोग को पता है गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस टू मेक जजमेंट, उसे बोला जाता है असेसमेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे पर्पज ऑफ असेसमेंट। पर्पज ऑफ असेसमेंट में हम लोग अगर ऐसे डिवाइड करेंगे, हम लोग मैं आपको सिंपली एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, जैसे कि हम लोग को पर्पज ऑफ असेसमेंट लिखना है तो हम लोग कैसे उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देखिए हम लोग बना सकते हैं पर्पज ऑफ असेसमेंट में हम लोग को क्या करना है, हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पर्पज ऑफ असेसमेंट बना के हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग का है ये क्या है, ये एक असेसमेंट ड्रिवन इंस्ट्रक्शन। ओके, असेसमेंट ड्रिवन इंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद है असेसमेंट ड्रिवन लर्निंग। ओके, तो देन हम लोग का इसका पर्पज क्या है असेसमेंट का, असेसमेंट इन्फॉर्म स्टूडेंट अबाउट प्रोग्रेस। ठीक है, इन्फॉर्म स्टूडेंट अबाउट प्रोग्रेस। देन नेक्स्ट है टीचिंग प्रैक्टिस असेसमेंट, इन्फॉर्म्स टीचिंग प्रैक्टिस, देन टीचिंग प्रैक्टिस। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं ग्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर प्रोटेक्ट एकेडमिक स्टैंडर्ड। ओके, सो देखिए अच्छे से, सो इस टाइप का डायग्राम हम लोग एग्जाम में बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या दिखाना है, टोटल हमारा पर्पज ऑफ असेसमेंट क्या है। तो ऐसे आप अगर डायग्राम बनाते हैं तो देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो जैसे कि पर्पज ऑफ असेसमेंट में क्या है, पहला है असेसमेंट ड्रिवन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कोई भी अगर हम लोग बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि ये इंस्ट्रक्शन हम लोग दे सकते हैं या नहीं, इज द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ टेकिंग द इंस्ट्रक्शन। सो असेसमेंट ड्रिवन इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन को ड्राइव करने के लिए हम लोग असेसमेंट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग बच्चों को दे सकते हैं या नहीं। असेसमेंट ड्रिवन लर्निंग, बच्चा कितना अचीव किया है, कितना गोल अचीव किया है, उसको कितना समझ में आया है, ये असेसमेंट ड्रिवन लर्निंग। द इन्फॉर्म स्टैंडर्ड अबाउट प्रोग्रेस, मतलब उसका स्टूडेंट को इन्फॉर्म करता है कि उसका प्रोग्रेस कितना है। ठीक है, देन टीचिंग प्रैक्टिस, अगर बच्चे का परफॉर्मेंस थोड़ा लो है या जैसा है उस हिसाब से हम लोग उसको प्रैक्टिस कराएंगे। देन ग्रेडिंग असेसमेंट से हम लोग को ग्रेड मिलता है कि हम लोग बच्चे का परफॉर्मेंस
मेजर कर सकते हैं, रिपोर्टेड एकेडमिक स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब किसी को सर्टिफाई करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सिलेबस कंप्लीट किया है, तो हम लोग कैसे करेंगे ड्यू टू दिस असेसमेंट। तो ये एक एकेडमिक स्टैंडर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, वैल्यूड करके रखता है। तो दिस इज द डायग्राम फॉर पर्पज ऑफ असेसमेंट। तो आप एग्जाम में इसे बना सकते हैं, राइट। सो देन हम लोग का है प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट में क्या ले सकते हैं आप प्रिंसिपल्स, जैसे कि एज ए रिगार्डेड एज ए क्री प्रोफेशनल स्किल ऑफ ए टीचर, बी ए पार्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग एंड लर्निंग, ये एक टीचिंग लर्निंग का इफेक्टिव पार्ट है। देन रिकोगनाइज एज ए सेंट्रल टू क्लासरूम प्रैक्टिस, एक सेंटर है क्योंकि हम लोग असेसमेंट के थ्रू ही जान पाएंगे कि बच्चे का कितना अचीवमेंट हो रहा है। ओके, देन डेवलप लर्नर्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट, टेक अकाउंट इंपोर्टेंस ऑफ लर्नर मोटिवेशन, मोटिवेट करता है, कैपेसिटी इंप्रूव करता है। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी असेसमेंट, तो एक क्वालिटी असेसमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ओके, सो क्वालिटी असेसमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कंटेंट वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, देन फेयरनेस इन असेसमेंट, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी रहना चाहिए एंड स्टैंडर्डाइजेशन रहना चाहिए। तो अगर इसको भी सिमिलरली हम लोग डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, सो देन हियर ऑल्सो वी कैन डू द सेम डायग्राम एंड वी कैन शो। ओके, सो कंटेंट वैलिड मीन्स क्या, कि ये जो कंटेंट हम लोग असेसमेंट में दे रहे हैं, जो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो वैलिड होना चाहिए। रिलायबल मीन्स जो हम लोग नॉलेज स्किल मेजर करना चाहते हैं वो रिलायबल होना चाहिए, ताकि हम लोग अगर कुछ टाइम बाद उसको फिर से टेस्ट असेसमेंट लें या टेस्ट लें, वो टेस्ट रिलायबल होना चाहिए और बच्चे का परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए। देन फिर फेयरनेस रहना चाहिए, जैसे कि कोई टीचर बायस हो के कोई स्टूडेंट को अच्छा मार्क, मतलब उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से ही मार्क देना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी मीन्स ओवरऑल लर्निंग गोल कैसे अचीव हुआ है, प्रैक्टिकली हम लोग इसे मेजर करेंगे। देन स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग कर पाएंगे बाई वट, दिस इज ए प्रोसीज्योर, कैसे हम लोग असाइनमेंट, टेस्ट, प्रोजेक्ट, रिलायबिलिटी, ये सारा देख के भी हम लोग असेसमेंट में मार्क दे सकते हैं। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी असेसमेंट, कंटेंट वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, देन प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, नो बायस एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी असेसमेंट। सो नेक्स्ट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज करेंट थिंकिंग अबाउट लर्निंग बेस्ड ऑन बिहेवियरल कॉग्निटिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी एंड दे आर इम्प्लीकेशन ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, चेंजिंग द कल्चर ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लर्निंग थ्योरीज है, ठीक है, ये जो लर्निंग थ्योरीज है, सो देर आर डिफरेंट थ्योरीज, हम लोग डिफरेंट थ्योरीज डिजाइन किया गया है, हाउ द इन्फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व प्रोसेस एंड रिटर्न ड्यूरिंग लर्निंग, कैसे इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है थ्रू लर्निंग। तो इसमें थ्री डिफरेंट थ्योरीज आर गिवेन। ओके, तो देखते हैं क्या क्या थ्योरीज है। सो पहला थ्योरी आपका बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी, देन नेक्स्ट पार्ट इज योर कॉग्निटिविस्ट लर्निंग थ्योरी, देन द लास्ट वन इज योर कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। सो देर आर थ्री थ्योरीज। अगर हम लोग इसको भी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग देखिए ऐसे कर सकते हैं, आई एम शोइंग यू द डायग्राम। आप लोग को क्या करना है, लर्निंग थ्योरी, ओके, लर्निंग थ्योरी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट थ्री थियोरीज। ओके, वन इज योर बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी, देन सेकंड वन इज योर कॉग्निटिविस्ट, देन कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं COZ, कॉग्निटिविस्ट लर्निंग, then the last one is your constructivist learning। okay, so इसको हम लोग ऐसे डायग्राम करके दिखा सकते हैं, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिविस्ट लर्निंग थ्योरी एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। ओके, राइट, होप आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी वन बाई वन वट इज द मीनिंग ऑफ दिस थ्री थ्योरी और वट आर द थ्री थ्योरीज डीलिंग विथ। ओके, तो पहला चीज है कॉग्निटिविस्ट लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है दैट डील्स विथ ब्रेन, दैट डील्स विथ मेंटल नॉलेज। ओके, ये इससे डील करता है।
कॉग्निविस्टिज्म फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल चेंज इन मेंटल नॉलेज, जो मेंटल नॉलेज में जो चेंज हो रहा है और जो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, दैट इज ये थ्योरी उसे समझाएगा। तो एक कॉग्निटिविज्म फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल चेंज इन मेंटल नॉलेज, तो ये ऐसा कुछ ऑब्जर्व करना चाहता है जो कि ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, डीलिंग विथ मेंटल नॉलेज। तो इसका जनरल एजम्पशन क्या है, सम लर्निंग प्रोसेसेस में बी यूनिक, ओके, कुछ लर्निंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक है। कॉग्निटिव प्रोसेस फोकसेस ऑन स्टडी ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल्स बिहेवियर शुड बी फोकस द साइंटिफिक इंक्वायरी, हम लोग साइंटिफिक इंक्वायरी कर रहे हैं, हम लोग मेंटल नॉलेज से डील कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस, इसमें लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली उन, बिकॉज इट डील्स विद द मेंटल नॉलेज, ठीक है। देन लर्निंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेंटल एसोसिएशन, नॉलेज इज ऑर्गेनाइज, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रीवियसली, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हम लोग ब्रेन से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम लोग प्रीवियस नॉलेज से कंपेयर करते हैं। तो दिस आर द जनरल एजम्पशन कि ये सबका यूनिक होता है। देन इट फोकसेस ऑन स्टडी, जो भी चेंज हो रहा है वो साइंटिफिक इंक्वायरी फोकस कर रहे हैं, व्हाट आर द बिहेवियर शुड बी इन द फोकस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। देन लर्निंग प्रोसेस में हम लोग का क्या नॉलेज ऑर्गेनाइज हो रहा है, न्यू इन्फॉर्मेशन को हम लोग कैसे पुराने इन्फॉर्मेशन से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्फ्लुएंस लर्निंग, एज अ चाइल्ड ग्रो दे बिकम कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंगली मोर सोफिस्टिकेटेड, जब बच्चा छोटा रहता है तो हम लोग क्या आते हैं, ईजी क्वेश्चन देते हैं, तो जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो कॉम्प्लिकेसी के तरफ मूव करते जाते हैं, ईजी टू कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो ब्रेन जिस हिसाब से डेवलप होता है तो वो उसी हिसाब से थिंग को कैप्चर कर सकते हैं, राइट। सो देन People organize the things they learn. New information is easily acquired. People control their own learning. Okay. So though the behavioral paradigm still dominates much of the educational practice, we are moving towards the cognitive rules of our school, whole language reading programs, ये सारा। तो behavior में क्या है, learning passive होता है, student must learn the correct response. Learning requires external reward. Knowledge is matter of remembering information. बट कॉग्निटिव में क्या होता है, लर्निंग एक्टिव होता है, स्टूडेंट एक्सप्लोर मोर रेस्पॉन्स, लर्निंग कैन बी इंटरेस्टिंगली रिवार्डिंग, नॉलेज इज अ मैटर ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। सो ये डिफरेंस है बिहेवियरल और कॉग्निटिव पैराडिग्म में। तो बिहेवियरल में क्या होता है, बच्चे पैसिव हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें एक्टिव रहते हैं, दैट इज एक्सटर्नल रिवार्ड, देन रिवार्डिंग नॉलेज, यहाँ पे क्या है, इंट्रेंसिकली रिवार्डिंग, नॉलेज इज मैटर ऑफ रिमेम्बरिंग, यहाँ पे वो बच्चे याद करके भी रख लेते हैं, मतलब रोट लर्निंग कर लेते हैं, बट यहाँ क्या करते हैं, नॉलेज इज अ मैटर ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन वो जब खुद एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉग्निटिव, ओके। सो ये हम लोग देख लिए आपका सॉरी कॉग्निविस्ट थ्योरी में। देन इससे पहले हम लोग का है बिहेवियर में, इसको पहले आप लोग को इसलिए बताई ताकि आप कॉग्निविस्ट थ्योरी जानने के बाद अगर बिहेवियर में जा रहे हैं तो हम लोग कंपेयर करके अच्छे से जान पाएंगे। तो कॉग्निविस्ट में हम लोग क्या देखें कि इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन मेंटल डेवलपमेंट। अगर अभी हम लोग बैक करते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बताई, थोड़ा सा मैं इसको अलग करके पढ़ाई, क्योंकि अगर मैं चाहती तो मैं पहले बिहेवियर से स्टार्ट कर सकती, बट मैं यहाँ पे ब्रेन से स्टार्ट की हूँ, कॉग्निविस्ट मेंटल एक्टिविटी से स्टार्ट की हूँ। तो अगर यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंस भी ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, तो लर्निंग इज पैसिव, हियर लर्निंग इज एक्टिव, देन बिहेवियरल स्टूडेंट मस्ट लर्न द करेक्ट रेस्पॉन्स, द स्टूडेंट एक्सप्लोर वेरी पॉसिबल रेस्पॉन्स, तो ये सारा डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग बैक करेंगे कहाँ पे, बिहेवियरल लर्निंग में। तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी आप लोग इजीली समझ पाएंगे। सो बिहेवियरल लर्निंग क्या है, चेंज इन द बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम द स्टिमुलस रेस्पॉन्स, बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन में बिहेवियर चेंज होता है। जैसे हम लोग देखे थे पैबलव्स डॉग एक्सपेरिमेंट, कैसे डॉग का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, हम लोग अगर कुछ बार बार करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, देन हम लोग का क्या होता है ना, बिहेवियर चेंज हो जाता है उस हिसाब से, ठीक है। द लर्नर स्टार्ट्स ऑफ ए क्लीन स्टेट एंड बिहेवियर इज सेफ्ड थ्रू द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव, लर्नर स्टार्ट करता है एक पॉइंट से, बट उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बिहेवियर टेक्निक्स हैव लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयड इन एजुकेशन टू प्रमोट बिहेवियर दैट इज डिजायरेबल, जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको हम लोग प्रमोट करने के लिए ये लेते हैं, कि यहाँ पे स्टिमुलस रेस्पॉन्स को ज़्यादा
प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया गया है, टीचर में प्रोवाइड पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट, कैसे हम लोग बिहेवियर चेंज करेंगे, कैसे हम लोग पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट देंगे, जैसे कि स्माइलिंग, बच्चे एट द स्टूडेंट आफ्टर द करेक्ट रेस्पॉन्स, अगर वो आंसर ठीक दिया तो उस पर थोड़ा सा स्माइल करना, प्रेज करना, ठीक है। स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को सिलेक्ट करना, एबिलिटी प्रेजिंग स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू पेरेंट्स, तो ये सारे करने से क्या होता है ना, बच्चे मोटिवेट होते हैं, तो ठीक है, तो वो अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए मोटिवेट होते हैं।